ऑल डाकू बनी हुई हूँ मैं। Welcome back to my channel, everybody. This is Himari, and in this video, I'm going to show you and share with you guys the full itinerary in 3 days. If you have 3 days in your hand and you want to come in Kashmir and explore places within, like during weekend only, you can come. Yes, exactly. This video is all about. So we landed here the other day, and Delhi se hi ye pura trip mein batane wali hu, because obviously I took flight from Delhi. It took us 1.5 hours. Everything I'm going to tell you in this video. So stick around, watch this video till the end. Right now we are in Gulmarg. We are going to try some activities over here. Let's go. And a very good morning, everybody. It's a day 2 here in Srinagar, and 7:40 in the morning. मैं breakfast करने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि आज हमें गुलमर्ग जाना है, और गुलमर्ग जाने के लिए वी आर लिविंग अराउंड 9 बजे निकलना है यहाँ से. तो दैट्स वाई क्विकली ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन जो भी सामान है पैक वैक करेंगे एंड निकलेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग देयर इन गुलमर्ग, बट येस आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग फॉर अ डे. सो या विल टेक यू अलॉन्ग. अभी नाश्ता करते हैं. ओके एवरीबॉडी, सो आई एम ऑल सेट, ऑल रेडी. ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं. लाइक ऑलरेडी 4 लेयर डाउन हूँ मैं. आई मीन मैंने अंदर थर्मल पहना है, उसके ऊपर एक बेस लेयर पहना है, फिर थर्मल पहना है, फिर उसके बाद ये वुलन वाला पहना है, एंड देन आई एम वेयरिंग दिस डाउन जैकेट, जो कि काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इट्स फ्रॉम कोलंबिया. वॉर्म लाइक अनदर लेवल, बहुत ही सही होगा, क्योंकि हम गुलमर्ग जा रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने वाली है, सर्दी होने वाली है, और वेयरिंग बिनी. हाथ में ग्लव्स भी पहनूंगी, एंड या ऑल सेट ऑलरेडी. लेट्स गो टू गुलमर्ग. गोइंग टू गुलमर्ग, और हम हाफ वे पहुँच चुके हैं. अभी टाइम हो रहा है 10:05 का, एंड हम तनमर्ग तक जाएंगे इस गाड़ी में. हमारे साथ है गुलाम जी, जो कि हमें लेकर जा रहे हैं. वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी लेंगे, क्योंकि स्नो चेन्स वाली जो गाड़ी होती है वो आगे जाती है. बिकॉज यू मस्ट हैव सीन इन सो मैनी वीडियोज़ ऑल्सो कि स्नो में जो है 4x4 ऑल्सो स्नो चेन लगी हुए जो गाड़ी होती है वही जाती है, बिकॉज सेफ्टी पर्पज से. Yes, so that's we are going to do. And Gulmarg mein hum kya karne wale hain, you are going to be seeing in some time. But one thing I want to mention, ki aapko abhi Srinagar aane ke liye, if you are planning, this is a good time if you are feeling okay, ki aap is time pe nikal sakte ho. If you don't have any symptoms, first. Second, aap fully vaccinated ho. Third, agar aap nahi ho fully vaccinated, fir bhi aapko aana hai, to RT-PCR kara ke aana padega, because airport pe nikalne se pehle they are checking. और बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है. तो यस, डोंट टेक इट कि ऐसे ही आप आ जाओगे बिना कुछ लिए और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट कराना पड़ेगा इफ़ यू डोंट हैव. बट RT-PCR ज़रूरी है, तो RT-PCR और फुल डबल डोज वैक्सीनेशन, दिस इज़ कंपलसरी. अभी टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, तो आई एम एन्जॉइंग द लाइक लेस सो क्राउडेड वाला श्रीनगर. बट यू कैन कम इफ़ यू आर प्लानिंग, बिकॉज या श्रीनगर में स्नो नहीं है, यहाँ होने वाली है. काफ़ी ज़्यादा स्नो है, अभी से रास्ते में दिखने लगी है. Let's go. और ऑल डाकू बनी हुई हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मास्क और नेक वार्मर दोनों का ही काम करता है. अभी हम यहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठेंगे एंड विल गो टू गुलमर्ग, और पूरा स्नो चारों तरफ, ऊपर जाके तो बहुत ज़्यादा स्नो होने वाली है.
सनमर्ग से गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से गुलमर्ग तक की दूरी जो है वो 13-14 किलोमीटर है ना, 13 किलोमीटर है। और हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं गुलाम जी, गुलाम कादिर जी, जो कि हमें हमारे साथ पूरे दिन रहने वाले हैं। और यस, एक्साइटेड। मैं और अब मैं बहुत डिफरेंस है, लाइक इट्स मोर कमर्शियल, ऑब्वियसली एवरी प्लेस बिकम लाइक दिस ओनली एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। बट वेदर थोड़ा थोड़ा कहीं पे उधर सामने थोड़ा क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। आई विश कि हम गंडोला से जब फेज़ 1 फेज़ 2 भी मुझे जाना है तो इफ़ वेदर थोड़ा क्लियर होगा तब दे विल अलाउ, अदरवाइज तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है फेज़ 2 में। बट आई रियली वॉन्ट टू गो टू फेज़ 2, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिंगर्स क्रॉस कि मैं फेज़ 2 जा पाऊँ। फेज़ 1 तो चले जाएंगे, फेज़ 2 के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। So, yep. Going towards Gandola, guys. कि हम यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं गंडोला तक, और because walking तो सांसें थोड़ी सी फूल रही है, बट अच्छा भी लग रहा है क्योंकि गाड़ी में बहुत देर से बैठे हुए थे। इट टुक अस ऑलमोस्ट टू आवर्स टू रीच हियर बिकॉज ऑफ द माउंटेन ट्रैफिक। इट टुक अस मोर देन 2 आवर्स आई थिंक, या टू रीच। काफ़ी सुंदर दिख रहा है सब कुछ, अद्भुत, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आपका क्या नाम है?
ख्याल। ओके पीपल, तो हमारा गुलमर्ग का जो सफ़र था, जो एक्टिविटीज़ थी, वो यहीं तक था। एज यू कैन सी, यहाँ से ये जो रेड वाले गोंडोला जा रहे हैं जो पीछे, ये फेस टू के लिए जाते हैं, और इनका जो कॉस्ट है इट्स 950 आने जाने का, एंड फर्स्ट फेज का है 740 विच वी पेड, और वो पे करके हम यहाँ तक आए थे। अभी हम वापस जाएंगे उसी से, मेरा मन था, बट वेदर ऊपर जो है वो थोड़ा क्लाउडी सनी हो रहा है, तो आई वॉज थिंकिंग अर्लियर कि मैं लूँ ना लूँ, बट नाउ आई एम लाइक श्योर कि बिकॉज आई हैड फन हियर, सो या आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि मुझे जाते जाते एक स्नो वाटरफॉल कवर करना है विच विल कम इन द वे, बिकॉज धूप थोड़ी हो रही है थोड़ी जा रही है, सो या काफ़ी फन रहा। यहाँ पर चेयर कार भी है, चेयर केबल कार भी है, जो कि स्कीयर्स के लिए होती है सिर्फ, स्कीयर्स जो कि ऊपर से पूरा वो स्की करते हुए आते हैं, ये उनके लिए है। यू कांट यूज़ दैट, आप फेज़ वन और फेज़ टू का गोंडोला यूज़ करके वहाँ तक जा सकते हैं, एंड कॉस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अभी हम जाएंगे नीचे, देन वहाँ से हम तनमक तक वो गाड़ी में जाएंगे, एंड देन वहाँ से विल टेक वो उसी गाड़ी से जो हम जहाँ से आए थे श्रीनगर से, उससे हम वो वाटरफॉल जाएंगे, नाल टेक यू।